कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई की सोमवार को देर शाम दिल्ली में पार्टी हाईकमान के साथ बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सांसद राहुल गांधी, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल मौजूद थे। बैठक में यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय, सांसद प्रमोद तिवारी, अजय लल्लू, विधायक आराधना मोना मिश्रा और तमाम नेता भी मौजूद थे। इस बैठक के बाद इसकी जानकारी अजय राय ने दी। मीडिया से बातचीत के दौरान उनसे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के यूपी से चुनाव लड़ने से जुड़ा सवाल पूछा गया। तब उन्होंने कहा कि वो उनका घर है, वहां से आते हैं। प्रयागराज, रायबरेली और अमेठी से उनका पुराना पुश्तैनी लोगों का रिश्ता है। वहां के लोगों से वो 40 साल से जुड़े हुए हैं। रिश्ता मजबूती के साथ बना रहेगा, ये रिश्ता परिवार का रिश्ता है जो खड़ा रहेगा। बैठक से जुड़े सवालों पर उन्होंने कहा कि यूपी की लीडरशिप ने अपनी मजबूती के साथ बात रखी है। हम लोगों ने कहा है कि राष्ट्रीय नेतृत्व में उत्तर प्रदेश पर पूरा ध्यान दे। राष्ट्रीय नेतृत्व जैसे आदरणीय खड़गे जी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी आकर यूपी से चुनाव लड़े, ये उनका घर है। राहुल जी हमारे सांसद रहे हैं, मूलतः वो इलाहाबाद से ही हैं। बैठक के बाद अजय राय ने यूपी में गठबंधन के सवाल पर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इस बार राज्य इकाई ने पूरी तरह से राष्ट्रीय नेतृत्व पर छोड़ दिया है। उन्होंने इस बारे में निर्णय लेना है, इस पर हम लोग एकमत होकर निर्णय लेंगे और उनके ऊपर ही इस बारे में निर्णय लेने का अधिकार छोड़ दिया है। मुद्दे हम लोगों के वही महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिला उत्पीड़न है।